कि जो चुनाव आप नहीं करा पाए उसको होल्ड पे आपने डलवा दिया, क्या ये नहीं नहीं पारदर्शिता हमने है नहीं आपकी डलवाया। सरकार नहीं नहीं की? नहीं 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 यशपाल जी, आपकी जानकारी अधूरी है। हमने नहीं होल्ड पे डलवाया, मामला कोर्ट में है। वो हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं, वो मामला कोर्ट में है। जब मामला कंचन कोर्ट में जी है तो कोर्ट का निर्णय होगा उसके चलिए ऊपर, सरकार उसमें क्या कर सकती चलिए, है। कोड़िया जी कुछ कहना चाहते हैं, और वो जो शायद कंधे से कंधा कोर्ट, मिलाकर आपकी सुनिए सरकार के साथ चलना यशपाल चाहते जी, हैं। जो कंचन कोर्ट में जी लेके गए हैं वो भी मेरे जान पहचान के लोग हैं जो कोर्ट में लेके गए हैं, इसलिए मैं उस मामले के बारे में जानकारी रखता हूँ। चलिए कंचन चलिए, जी, टीपू जी कुछ कहना चाहते हैं। जी टीपू जी, कंचन जी, इत्तेफाक से आपने फार्मेसी काउंसिल के चुनाव को होल्ड करवाने वाली जो बात रखी है, मैं इस मामले को बड़ी बारीकी से बता सकता हूं, क्योंकि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो इलेक्शन खुद मैंने कंटेस्ट किया है एज ए फार्मासिस्ट, उस चुनाव को मैंने लड़ा है। और वो जो चुनाव हुआ है वो हमारे ही पैनल में एक, जो हमारे गुड़गांव से एक साथी हैं पदम शर्मा जी, उन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया है। सिर्फ इसलिए ये चैलेंज किया भी, जो पिछले लंबे टाइम से 1945 से जो हरियाणा जो फार्मेसी एक्ट है, 1945 जो फार्मेसी एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफलाइन बैलेट पेपर से चुनाव होता आ रहा है, उस प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाया जाए। सिर्फ और सिर्फ वोटों की जो गिनती है वो पूरी तरह से हो चुकी है, और जो इलेक्शन की जो तारीख है, जो कोर्ट ने सिर्फ रिजल्ट अनाउंस पर स्टेक लगाया हुआ है, जिसकी 12 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई किसी कारण, आगामी जो तारीख है वो इसी महीने की 21 फरवरी की तारीख उस पर लगी हुई है। तो इसमें कोई सरकार का कहीं कहीं ऐसा रोल नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से तो इस बात की पैरवी की जा रही है कि रिजल्ट को अनाउंस किया जाए।